हेलो दोस्तों, चलो आज बात करेंगे अपन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की पद्धतियाँ। जीवों के वर्गीकरण की चार पद्धतियाँ निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर एक, आर्टिफिशियल सिस्टम यानी कि कृत्रिम पद्धति। इसमें क्या होता है, एक अथवा दो महत्वीय लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, एक अथवा दो महत्वीय लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति कहते हैं। जैसे क्या है, नंबर एक, आकार व आकृति के आधार पर पौधों का शाख झाड़ी तथा वृक्ष में वर्गीकरण। नंबर दो, जीवन अवधि के आधार पर पौधों का एक वर्षीय द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय में वर्गीकरण। नंबर तीन बात करते हैं, आवास यानी के आधार पर जंतुओं का स्थलीय तथा जलीय में वर्गीकरण होते हैं। ऊपर दिए गए कृत्रिम वर्गीकरण में से कोई विशेष सूचना नहीं मिलती और न ही ये किसी वर्ग के सदस्य के बीच प्राकृतिक संबंधों पर प्रदर्शित करते हैं, बल्कि प्रायः ऐसे जीव हैं जिनके आपस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, एक ही समूह में वर्गीकृत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पंखों के आधार पर वर्गीकरण के से यह बोध होता है कि अमुक जंतु जलवायु में उड़ जाता है कि नहीं। अब किंतु यह पक्षियों कीटों एवं चमगादड़ में अंतर नहीं कर सकता। इसके लिए पिच्छों एवं रोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति आदि अन्य लक्षणों का ज्ञान होना ही आवश्यक है। इसी प्रकार मछलियां, व्हेल तथा जल सर्प जैसे विभिन्न प्रकार के जीवों में रहने के कारण एक ही श्रेणी में रखा गया, जो उड़ नहीं उड़ सकते हैं या एक ही तरह की कैटेगरी होती है, इन्हें एक ही संबंध में रखा गया। अब बात करेंगे अपन नेचुरल सिस्टम यानी कि प्राकृतिक पद्धति। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति अनेक लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक संरचना, कार्य के स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्धन में समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर होता है। इस पद्धति से न केवल किसी भी समूह की जानकारी उपलब्ध होती, बल्कि इस पद्धति में किसी भी जाति के स्थान को देखकर अमुख जाति में अनेक सामान्य विशिष्ट गुणों की आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं, यह पद्धति जॉन रे ने प्रस्तुत की है ही थी। इस पद्धति में कुछ प्रमुख आकृति लक्षण की समानताएं विषमता के आधार पर जीवों को पहले कुछ समूह में तथा बाद में बार बार विभाजित करके छोटे वर्गों में रखते हैं। तो छोटे वर्गों में पहले जैसे कि बड़े समूह में रखा गया, फिर उन्हें काट काट कर बनी भागों में छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया। अब बात करते हैं नंबर तीन, जातीय वृत्ति पद्धति क्या है। किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जाति वृत्ति कहते हैं, यानी किसी भी जाति के विकास की हो तो उसे विकासीय क्रम जाति कहते हैं। विकास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण को जाति वर्गीकरण कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, नहीं समझ में आया होगा आपके। जातिवृत्त पद्धति में किसी भी जाति के विकास क्रम को जातिवृत्त कहते हैं, किसी भी विकासीय क्रम को। विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को जातिवृत्त वर्गीकरण कहते हैं। लैमार्क के अनुसार जाति कृमि के रूप में धीरे धीरे परिवर्तन होकर नई जाति का जो है विकास करती हैं। उन्होंने पूर्वकालीन जीवों के जीवाश्मों एवं वर्तमान जीवों के विकास के क्रम में व्यवस्थित डार्विन ने प्राथमिक वर्णवाद द्वारा जातियों की उत्पत्ति का प्रस्तुत किया है, यानी कि सिद्धांत उत्पत्ति का प्रस्तुत किया है। नंबर चार, फेनेटिक पद्धति। अब फेनेटिक पद्धति क्या होती है, जीवाश्म प्राणों के अभाव में जीवों के विकासीय संबंध के आधार पर वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन था। दोबारा बताओ, जो जीवाश्म थे प्राणों के अभाव में विकासीय संबंधों का जो वर्गीकरण था वो करना काफ़ी कठिन होता है। अतः जीवों के वर्गीकरण के लिए निम्न निष्कर्षों का प्रयोग किया। नंबर एक, फैनेटिक्स या संख्यात्मक वर्गीकरण क्या है।
बात करते हैं। इस पद्धति में सभी उपलब्ध गुणों का कंप्यूटर द्वारा उपयोग करते हैं, यानी कि इस पद्धति में जो भी उपलब्ध है कंप्यूटर द्वारा गुणों का उपयोग करते हैं। सभी लक्षणों का एक कोड एवं संख्या दी जाती है। उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। इसके द्वारा सैकड़ों लक्षणों को साथ निरूपण कर सकते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर गुणों के द्वारा उपयोग करते हैं उनकी कोड होता है, आंकड़ों द्वारा उनकी संख्या की पद्धति सैकड़ों लक्षणों के साथ नियंत्रण की जाती है। अब बात करते हैं नंबर दो, कोशिका वर्गीकरण यानी साइटोटॉक्सोनोमी। अब क्या यह गुणसूत्रों की संरचना संख्या एवं व्यवहार के कोशिकीय संबंधों पर आधारित क्या है? यह गुणसूत्र यानी कि संरचना संख्या एवं व्यवहार के कोशिकीय संबंधों पर आधारित है। नंबर दो, रासायनिक वर्गीकरण कीमोटैक्सोनोमी। यह पद्धति जीवों के रासायनिक संगठन एवं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित है, जैसे कि डीएनए अनुक्रम एवं प्रोटीन रासायनिक प्रकृति के आधार पर अनेकों संबंधों में स्थापित किया जा सकता है। नंबर चार है जाति वर्गीकरण। यह पद्धति जीवों में वर्गीकरण समानता एवं जेनेटिक संबंधों पर है। इसके श्रेय जूलियन हक्सले को जाता है, जिसके आधार पर नव वर्गीकरण विज्ञान न्यू सिस्टमेटिक की नींव रखी। किसने रखी थी न्यू सिस्टमेटिक की नींव? जॉन हक्सले, जूलियन हक्सले के आधार पर। अब बात करते हैं अपन जीवों के डोमेन, आगे बताएंगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीवों के तीन डोमेन क्या हैं, क्या कारण है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे हाँ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं इसी तरह आपको रोज़ एक रोचक कहानी नहीं एक रोचक वीडियो के साथ आपको ज्ञान देता रहूँगा, जितना कि मैं जानता हूँ उतना आप तक पहुँचता रहेगा। और मैंने एक नया चैनल बनाया, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉमेडी के लिए, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और मैं दवाइयों का भी इसी तरीके से आपको बताता रहूँगा। इसमें थोड़ा सा बताता हूँ जीवों के तीन डोमेन में क्या होता है। जीवों में तीन डोमेन की संकल्पना वीज ने सन 1990 में प्रस्तुत की थी। उन्होंने वर्गीकरण का मॉडल प्रस्तुत किया था जो निम्न तथ्यों पर आधारित है, मतलब जो डोमेन थे उन्होंने ने संकल्पना के बीच जो वैज्ञानिक थे हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को 1990 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया कि कोशिकाओं में राइबोसोम का न्यूक्लियोग्राम का अपूर्ण का अंतर पता चल सके, इस किस चीज़ का न्यूक्लियोग्राम का अंतर पता चल। नंबर दो, कोशिका कला की लिपिड संकल्पना को संकल्पना तथा एंटीबायोटिक्स के लिए संवेदनशीलता होती है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जैव रासायनिक। तो मैंने बताया था जीव तीन, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया किसने किया था, वीज ने 1990 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना।